दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। ध्यान से देखिए, यह है वह शख्स जिसने खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रची। बीबीए फर्स्ट ईयर के छात्र को पुलिस ने देवास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद युवक द्वारा कबूला गया कि गर्लफ्रेंड और दोस्त पर खर्च करने के लिए उसने दोस्तों से मिलकर खुद के अपहरण और फिरौती मांगने की कहानी रची थी। विजयनगर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। 20 जुलाई को मुकेश बरोदकर, जो अंबे नगर देवास का रहने वाला है, उसके द्वारा विजयनगर पुलिस को सूचना दी उसका बेटा आयुष कोचिंग क्लास जाने के बाद से लापता है। दोपहर से उसका मोबाइल भी बंद आया। जब कुछ देर बाद फिर उसने फ़ोन कर बताया कि उसे 4-5 लोगों ने रेडिसन चौराहे पर पकड़ लिया है। इसके बाद आयुष के मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति ने कॉल किया, तुम्हारा बेटा ही हमारे कब्जे में है, उसे छोड़ने के लिए 50,000 दो वरना मार देंगे। उन्होंने मारपीट का वीडियो भी भेजा। इसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम बनाकर आयुष को बरामद किया गया। तो उसके साथ उसके दोस्त गोलू ठाकुर, अंकित मालवे एवं सुमित सवालिया तथा आकाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। थाना विजयनगर पर एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई एक पिता के द्वारा कि उसके बेटे का अपहरण हो गया है। तो उसके बाद फिर उनके पास एक फुटेज भी बेटे के तरफ से प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया था कि वो बेटा बोल रहा था कि उसको कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को शक हुआ। उसके बाद फिर पुलिस ने पूरा प्रकरण में एक बार जांच की। तत्काल पुलिस की टीम रवाना हुई, मौके पर उसका फ़ोन ऑन था। पुलिस ने उसके बाद फिर जांच की तो पता चला कि वो बेटा जो है अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपने पिता को जो है पिता से रकम प्राप्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा था और इस तरह से दिग्भ्रमित किया था उसने, और वो पैसा भी एक्सटॉर्शन करना चाह रहा था, जिसके बेसिस पे थाना विजयनगर पे उस बेटे के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ FIR कायम हुआ है और पूरा प्रकरण विवेचना। वो अपने पिता से खुद जो है लाखों के रुपये डिमांड कर रहा था।